భద్రం తరణే భీషణు యామదేవ భద్రం పశే మాంసవృజర్తాః శరైరం గయేతుష్టు వాగుంసస్తనో నిర్వశే మైదే వైతజ్జదాయో వీరభద్రో మహాతేజో సంకర్షగణాగ్రణీ యాగచ్ఛ మహావీరాయ యజ్ఞరక్షాకురుష్వమే వీరభద్రాయ నమః శంకర భగవాన్ కే సామ్నే భయ్యా భోలే బాబా శివలింగ్ మే హీ ఉన్కా ఆవాహన్ హోనా హై వీరభద్రాయ నమః యాగచ్ఛ యాతిష్ట పూజాంగ్రహాయ మమ షణ్ముఖో భరతో భవః ఇస్కే బాద్ మే భగవాన్ భోలేనాథ్ కే ఏక్ భక్త హోరే జిన్కా నామ హై కుబేర్ జో కీ ధనాధ్యక్ష హై కుబేర్ భగవాన్ కీ భీ కృపా జీవన్ మే బహుత్ జరూరీ హై क्योंकि यदि धन नहीं होगा तो आज के युग में आप धर्म भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सामग्री फूल पूजन सामग्री सब एकत्रित करना, अगर धन ना होता तो क्या ये कर सकते थे, अर्थात नहीं, पूजा भी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में कुबेर भगवान की भी कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए माता लक्ष्मी के सहित भगवान कुबेर का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो, प्रभु आप आओ आकर के प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करो। धनेशो यक्षेशो गिरिश प्रिया देवो देवते नरो जयते पुरे अल आदेशो बृहतनुधारे गुरु दया नरेन्द्रानाथ कठिन दुखदारे द्रदहन भय गोसो मृत पवमनस्तनो भुव्रत प्रजावन्तः सजीवहे आवाहयामि देवेशं दनदम यक्ष पूजितं दिव्यदेहं महाकायं भगवान कुबेर का स्थान उत्तर दिशा में होता है। भगवान भोलेनाथ के उत्तर दिशा में पुष्प चढ़ा दो, बोलो कुबेर भगवान की जय। इसके बाद में एक पुष्प और ले लीजिए हाथ में। भगवान भोले बाबा के एक भक्त और हैं, कौन, जिनका नाम है कीर्ति मुख। ये कीर्ति मुख कौन है, अगर आप लोग कभी पुराने शिवाला गए हो, जैसे खेरेश्वर बाबा बने हैं, अगर आप लोग कभी गए हो या परमर तो जाते ही होंगे दर्शन करने के लिए, तो खेरेश्वर में आपने देखा होगा मंदिर के अंदर एक चेहरे की आकृति बनी हुई उत्तर दिशा में रखी है। वो कौन है, वो कीर्ति मुख भगवान है। और इनकी पूजा करने से होता क्या है, समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य की परिवार में बढ़ोतरी होती है, परिवार में सुमति होती है। तात्पर्य यही है कि ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बहुत बड़े आज्ञाकारी भक्त थे। ये एक बहुत बड़े महात्मा थे, ऋषि थे पूर्व जन्म में। और हुआ क्या, एक बार इनको भूख लगी, भूख बहुत लगती थी, और भूख लगी माता पार्वती स्नान कर रही थी उस समय, और इन्होंने कहा माँ मुझे को भूख लगी है। माता ने कहा बेटा मैं अभी स्नान कर रही हूँ, कुछ देर के बाद मैं तुम्हें भोजन परोस दूंगी, अभी तुम थोड़ा शांति करो। लेकिन इनको भूख बर्दाश्त ना हो सकी, इन्होंने फिर कहा माँ मुझे भूख लगी, माँ ने मना किया। जब इन्होंने तीसरी बार कहा माँ मुझे भूख लगी, माता को क्रोध आ गया और माँ ने कहा जैसे हास्य में ही मानो कह दिया हो बहुत भूख लगती है, जाओ अपने शरीर को भी तुम खा लो। अब जिस समय ये शब्द सुने कीर्तिमुख ने तो उनको लगा कि माँ की आज्ञा है, और मात पिता गुरुवर की वाणी बिना विचार किए शुभ जाती। माता पिता गुरु जीवन में यदि कोई आज्ञा दे दे, कोई भी बात कह दे, उस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संतान का धर्म है। चाहे बेटी हो या बेटा, यदि जीवन में प्रगति चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, तो माता पिता और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही कीर्तिमुख ने किया, उन्होंने सोचा माँ की आज्ञा है, अपने शरीर को खाना प्रारंभ कर दिए। जब पूरा शरीर, जब केवल सिर भाग ही बचा, अब क्या करें, देखते तब तक भोलेनाथ आ रहे थे। और भगवान भोलेनाथ जब आए और आकर के उन्होंने देखा कि केवल चेहरा बचा है, पूरा शरीर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि माँ की आज्ञा थी। आज भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहने लगे, बेटा तुमने
इतनी बड़ी आज्ञा का पालन किया, अरे माँ ने तो हाथ से नहीं कह दिया होगा और तुमने आज्ञा का पालन बगैर विचार किए हुए कर लिया। जाओ मेरी आज्ञा है, पहली प्रथम मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अमर हो जाओ, दूसरा आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी, और तीसरा आशीर्वाद देता हूँ कि जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसका समाज में यश कीर्ति नाम को कभी दुनिया में कोई शक्ति डुबा नहीं सकती। जाओ मेरा आशीर्वाद है। तब से हर भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा करता है। आइए इसी क्रम में हम और आप सभी लोग मिलकर के भगवान कीर्ति मुख का ध्यान करते हैं। ओम सर्व अंगमयानीशा विश्वरूप कहाग्रतो इहागच्छ महादेवा पूजा मे सपले कुरु असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवसते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा दिवतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सर्वग्र सगुण स्वाहा सपाल स्वाहा चंद्राज स्वाहा ज्योतिये स्वाहा मणिमृचाय स्वाहा दिवा पतयते स्वाहा। कीर्ति मुखाय नमः। भगवान शंकर के सामने चढ़ा दीजिए। बोलो कीर्ति मुख भगवान की जय। या गच्छा या तिष्ठा पूजा ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भवः। इसके बाद में हाथ में पुनः फिर पुष्प ले करके भगवान भोलेनाथ के गले की शोभा बढ़ा रहा कौन? नागराज वासुकी नाग। और कहते जिसके जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार स्पष्ट किया गया ऋषियों के द्वारा कि जिसके जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष लगा हो तो वो रुद्राभिषेक करने के समय यदि नागराज का विशेष पूजन करता है तो जन्म कुंडली में लगा हुआ काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, अनिष्टता दूर होती है और शुभता प्रदान हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ के सबसे निकट यदि कोई ग्रह रहता है तो वो नागराज ही है। नंदी भी रहते हैं लेकिन इतने निकट नहीं है जितना नाग है, कारण वो तो गले में ही लगते हैं और नंदी बाबा रहते हैं लेकिन थोड़ा सा पास में रहते हैं, थोड़ा दूर। जितना स्थान नागराज को मिला इतना स्थान माता पार्वती का भी नहीं, कारण पार्वती मैया भी रहेगी तो दाएं और बाएं ही तो रहेंगी लेकिन 24 घंटे गले में नहीं रह सकती, तो वो स्थान दिया भगवान भोलेनाथ ने नागराज को। तो आइए हम और आप सभी लोग मिलकर के भगवान नागराज का ध्यान करते हैं। नागराजाय नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि भो सर्प या गच्छा या तिष्ठा पूजां ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भवः। बोलो नागराज भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के अब जो कि धर्म के स्वरूप कौन है? नंदी बाबा। ये धर्म के स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले नंदी की भी पूजा होती है। अगर अर्जी लगा ली है भोलेनाथ से तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। जैसे किसी मंत्री से मिलना हो तो क्या डायरेक्ट मिलोगे? पहले उसके पीर से मिलना पड़ता है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ तो सबसे दुनिया में क्या ब्रह्मांड में यदि सबसे बड़ी कोई सरकार है तो वो महाकाल की भगवान भोलेनाथ की है। तो यदि भोलेनाथ से अर्जी लगाना है तो डायरेक्ट नहीं लग सकती। यदि गंगा पार करनी, कोई नदी पार करनी है तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भोलेनाथ से मिलने के लिए नंदी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान नंदी जी का ध्यान करें। सभी लोग हाथ जोड़ करके सदानंदे नंदी जगत पते धारे सुर पदे महाधर मोरो जन मन विहारे पशुपते सदा श्रद्धा भक्ते भवयुत भवानी पाए मके स्म सा महतयत पूर्ण देयता आशुभूषिषा नागवो न वे मो गर गर चौबल सर गणीना शंकर
नंदेश्वर महायोगी धर्म रूप शिव प्रिया दर्द्य महायज्ञ श्रद्धा भक्ति प्रयच्छ मे नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वर देवता यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा पूजा ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भव। बोलो नंदीराज भगवान की। अब किसका नंबर है वही बता सकता है। नंदी बाबा के बाद अब कौन बच्चा? भोलेनाथ। भोलेनाथ के पहले अभी उनके परिवार में और भी कोई है। कौन? भोलेनाथ के जटा में कौन है? गंगा मैया। तो पहले माता का आवाज गंगा मैया का, और मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। और उनके साथ में कौन देवता रहते हैं 24 घंटा? एकादश रुद्र के स्वरूप में कौन? जो धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में विशेष उन्हीं की पूजा हो रही है, हनुमान जी महाराज। एकादश भगवान भोलेनाथ के ही अवतारी है। एकादश